लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी क्रम में खरगोन जिले के भगवानपुरा विधायक ने सिगाव में साधारण सभा की बैठक ली, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों द्वारा अधूरी जानकारी देने पर फटकार भी लगाई। खरगोन जिले के भगवानपुरा विधानसभा के विधायक केदार सिंह डावर शुक्रवार को सेगाव पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद पंचायत की साधारण सभा बैठक ली, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व महिला बाल विकास के अधिकारियों द्वारा योजनाओं की अधूरी जानकारी देने पर नाराजगी जताई। इस दौरान विधायक ने कहा कि बैठक में विभाग के प्रमुख ही मौजूद रहे, प्रतिनिधियों को बर्खास्त तो नहीं किया जाएगा। बैठक में जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनीता डावर, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार, जनपद पंचायत सीईओ डॉक्टर रीमा अंसारी सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज जनपद सभागृह में बैठक का आयोजन किया गया, इसमें क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए? आज जनपद पंचायत सेगांव की साधारण सभा की बैठक थी और उसमें जो है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मनरेगा के उस पर डीपीजीपी के प्रधानमंत्री आवास, सांसद निधि, सांसद विधायक निधि, बीओ शिक्षा से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, कृषि विभाग से संबंधित अनेक जो वर्तमान में जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा की गई और उसकी बैठक आयोजित की गई, दिए गए कार्यों की प्रगति की जानकारी दी गई, आवश्यक निर्देश दिए। आज बैठक में अधिकतर विभागीय विभाग प्रमुख नहीं आए थे, उसको लेकर आपने क्या निर्देश दिए? यह गंभीर विषय है और सभी ब्लॉक स्तरीय विभागीय प्रमुखों को यहाँ उपस्थित होना चाहिए। आज नहीं आए उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उचित कारण अगर नहीं हो तो उसको विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए।